हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे उन सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसका ही एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम है स्टूडेंट का, कुछ का बहुत ही जल्द आने वाला है, कुछ के एग्जाम में अभी टाइम है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अब लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के, इसमें जो भी पांचों यूनिट आ रही है सभी की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक यूनिट को काफी डिटेल में सारे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो एक एक करके आपको पांचों यूनिट्स की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर एक पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो ऐसे पांच यूनिट आएंगी आपकी वन शॉट रिवीजन की। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो नोट्स इनके पेड है। अगर आपको परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या चैनल पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर मेरे को डीएम करिए, वहां से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिविजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 3 है बिजनेस प्लान, उसके एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें हम एक वीडियो के अंदर इस पूरी यूनिट को कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखते हैं आपको इसमें कंटेंट क्या क्या कवर करना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, जनरेटिंग बिजनेस आइडिया, टीम बिल्डिंग, सोर्स ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी एंड स्केलिंग अप, बिजनेस प्लान प्रोसेस, ड्राइंग बिजनेस प्लान, फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान, ये चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल वेंचर क्या होता है। तो एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इज अ बिजनेस और प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर विद अ गोल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन टू मीट अ मार्केट नीड। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर एक बिजनेस होता है या प्रोजेक्ट होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, जिसका गोल क्या होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या सॉल्यूशन बनाना जिसकी मार्केट में नीड हो, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। इट इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क, बींग इनोवेशन एंड बींग विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट टू ब्रिंग एन आइडिया टू फ्रूटेशन। इसके अंदर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना होता है, इनोवेटिव होना पड़ता है, अपना टाइम, मनी और एफर्ट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और अपने जो एफर्ट्स होंगे उन्हें एक अपने रिजल्ट में चेंज करना होता है। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल स्टार्टअप टू लार्ज कॉरपोरेशन एंड कैन बी इन एनी इंडस्ट्री और सेक्टर। ये एक स्मॉल स्टार्टअप से लेकर लार्ज इंडस्ट्री तक हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कुम्पेटर, अ पर्सन हु इज एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज ईगर एंड कैपेबल ऑफ टर्निंग अ नोवल कंसेप्ट और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल वेंचर। जोसेफ स्कुम्पेटर के अकॉर्डिंग एक पर्सन एंटरप्रेन्योर तब कहलाता है जब वो एक नोवल कंसेप्ट को या इन्वेंशन को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट कर दे, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब इसके लिए सबसे पहले आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेस होता है। आइडिया जनरेशन इज अ क्रूशियल स्टेप इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस को ग्रो या स्टार्ट करने से मैं सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडिया जनरेशन। इट इन्वॉल्व कमिंग अप विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया फॉर प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन दैट कैन मीट द नीड ऑफ कस्टमर एंड क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यू और इनोवेटिव आइडिया किस चीज से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड या सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि मार्केट की नीड को मीट आउट करे और मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करे, वो चीज होती है आइडिया जनरेशन आपकी। हेयर आर सम की एस्पेक्ट ऑफ आइडिया जनरेशन। तो आइडिया जनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग न्यू बिजनेस आइडिया दैट हैव पोटेंशियल टू टर्न इनटू सक्सेसफुल वेंचर। आइडिया जनरेशन की और क्या डिफाइन हो सकती है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि जनरेट करता है, डेवलप करता है, रिफाइन करता है न्यू बिजनेस आइडिया को, जो कि उसे चेंज कर देता है एक सक्सेसफुल वेंचर में। इसके अलावा इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गैप्स इन द मार्केट दैट कैन बी एड्रेस्ड विद न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। आइडिया जनरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से एक पर्सन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाता है, मार्केट में जो गैप्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाता है और फिर उनको एड्रेस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। तो वो स्टेप होता है आपका आइडिया जनरेशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस आइडिया जनरेशन की, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बाय ऑफरिंग इनोवेशन इन अ वैरायटी ऑफ बिजनेस एरिया लाइक ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बिजनेस आइडिया एड इन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी।
कई सारी इनोवेशन प्रोवाइड करवा के, ब्रांडिंग में इनोवेशन, एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में इनोवेशन प्रोवाइड करवा के बिजनेस आइडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन अ प्रॉब्लम विल बी इनवेटेबल ऑकर फॉर द कंपनी। द मैनेजमेंट विल असेस द वायबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसेप्ट टू फाइंड अ सुटेबल सॉल्यूशन टू सच एन इशू। अब जब प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऑकर हो जाती है जब वो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस प्रॉब्लम को असेस करता है, उसकी वायबिलिटी को असेस करता है और उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ पाता है बिजनेस आइडिया की मदद से। नेक्स्ट है फ्यूचर डायरेक्शन। तो द मैनेजमेंट एंड द टीम मस्ट अडॉप्ट कटिंग एज कंसेप्ट एंड मेथड दैट सपोर्ट वाइज डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट और टीम होनी चाहिए उन्हें एक ऐसे कंसेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि वाइज डिसीजन में सपोर्ट करे। बिजनेस कंसेप्ट सो पेव द वे फॉर सक्सेस इन द फ्यूचर। जिससे क्या हो, जो ऐसा बिजनेस कंसेप्ट हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प करे फ्यूचर में, ऐसा एक आइडिया जनरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है बूस्ट एफिशिएंसी। तो द प्रोडक्शन ऑफ आइडिया इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एक आइडिया का जनरेट होना, प्रोडक्शन होना क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है। इट एड इन चूजिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड लोवरिंग कॉस्ट। ये किस चीज में हेल्प करता है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है, जिसे लीस्ट अमाउंट में इनपुट में रिसोर्स यूटिलाइजेशन की मदद से ज्यादा एफिशिएंसी और लोवरिंग कॉस्ट अचीव करी जा सके। नेक्स्ट है यूनिक इंसाइट्स। तो वाई अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड फोकसिंग आइडिया एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट अ न्यू बेटर आंसर बिजनेस प्लान जनरेट अ यूनिक पेथ फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। डुप्लीकेशन को अवॉइड करके, आइडिया पर फोकस करके, रिसोर्स का और आइडिया और रिसोर्सेज पर फोकस करके क्या हो पाता है, एक बेटर आंसर क्रिएट हो पाता है, एक बेटर यूनिक बिजनेस प्लान जनरेट हो पाता है इसकी मदद से। ठीक है, तो ये था आपका आइडिया जनरेशन। अब आता है आपका टेक्निक फॉर जनरेटिंग आइडिया। एक आइडिया को जनरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। सबसे पहले आती है आपकी टेक्निक सोशल लिस्टिंग। तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व पोलिंग द पब्लिक टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इशू। इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक से पूछा जाता है कि इस इशू का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बिकॉज प्रोडक्ट डेवलपमेंट अफेक्ट द एंटायर मार्केट टारगेट कस्टमर एंड मस्ट इंक्लूड इन द कलेक्शन ऑफ ओपिनियन थॉट एंड आइडियाज। क्योंकि जो एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है होता है उससे पूरी मार्केट अफेक्ट होती है, सारे टारगेट कस्टमर अफेक्ट होते हैं, तो इसकी वजह से उन सभी के ओपिनियन का कलेक्शन होना जरूरी है, उन सभी के थॉट्स और आइडिया का एक कलेक्शन होना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एड इन डाटा गैदरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो जो सोशल मीडिया होती है वो इस चीज़ में हेल्प करती है इस डेटा को गैदर करने में और प्रोडक्ट मार्केट फिट डेवलप करने में। मतलब सोशल लिस्टिंग का जो आपका टेक्निक है वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाती है। नेक्स्ट होती है टेक्निक आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इट इज़ अ मोस्ट वेल लाइक टेक्निक इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज यूज इट वाइल कमिंग अप विद बिजनेस आइडिया स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये सबसे लाइक टेक्निक है जो कि बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है। एंटरप्रेन्योर को यही टेक्निक यूज करनी चाहिए अगर वो किसी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ आ रहे हैं, स्पेशली जब स्टार्टअप्स हों कोई। तो यूजिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक एन इशू कैन बी सॉल्व बाय कंबाइनिंग वन और मोर ऑफ द प्रपोजल मेड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर लोगों से उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, फिर जितने भी जो भी ओपिनियन हमें बेस्ट लगते हैं उनका ओपिनियन का यूज करके हम एक इशू को सॉल्व करते हैं। एक से ज्यादा ओपिनियन का हम इसमें यूज करते हैं तो उस चीज को कहा जाता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट टेक्निक है कि आपकी माइंड मैपिंग। तो इट इज अ वेल नोन मेथड ऑफ आइडिया डेवलपमेंट दैट यूज पिक्चर टू एक्सप्रेस थॉट एंड आइडियाज। ये एक वेल नोन मेथड होता है आइडिया डेवलपमेंट का जिसके अंदर हम पिक्चर्स का यूज करते हैं अपने थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। यूजिंग कंट्रास्ट कलर्ड इमेज शेप माइंड मैपिंग पिक्चर शो द थॉट विद मैनी स्ट्रिंग बेटर हाईलाइटिंग द नोटवर्थी पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रास्ट कलर इमेज शेप्स वगैरह का यूज करके माइंड मैपिंग पिक्चर शो करी जाती हैं जिससे हम क्या एक अच्छे हाईलाइटिंग वाला पार्ट क्रिएट कर पाते हैं और जिससे हमारी आपके आइडिया अच्छे से एक्सप्रेस हो पाता है कि कोई पर्सन किस तरीके का आइडिया जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। ये एक अनदर टेक्निक है। तो इन दिस स्ट्रेटेजी द पार्टिसिपेंट एडॉप्ट वेरियस कैरेक्टर टू परफॉर्म। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें अलग अलग कैरेक्टर का रोल दे दिया जाता है जो उन्हें परफॉर्म करना होता है। इट ऑल्सो हैज अ प्लेफुल एंड क्रिएटिव कैरेक्टर। इससे क्या होता है, उनका कैरेक्टर प्लेफुल और क्रिएटिव हो जाता है और वो अच्छे से अपने आइडिया को जनरेट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं।
नेक्स्ट है स्टोरी बोर्डिंग। तो दिस टेक्निक इंटेल क्रिएटिंग स्टोरी बोर्ड टू स्पार्क क्रिएटिविटी। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें स्टोरी बोर्डिंग करी जाती है, मतलब एक तरीके से उनसे स्टोरी की फॉर्म में आइडिया जनरेट करवाया जाता है। इट इंक्लूड इमेजेस, ग्राफिक्स एंड अदर डिटेल टू गिव आइडिया एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। और उन्हें अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए इमेजेस, ग्राफिक्स और कई सारी अलग अलग चीजों का यूज करने दिया जाता है, जिससे वो एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके अपने आइडिया की। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी कोलेबोरेशन। तो दिस मेथड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इन्वॉल्व ऑल द पार्टिसिपेंट वर्किंग टुगेदर टू जनरेट आइडिया। ये क्या है, ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीका हैगा, जिसके अंदर कई सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं कोई आइडिया जनरेट करने के लिए। द लाइकलीहुड ऑफ कमिंग अप विद ओरिजिनल आइडिया इंक्रीज विद डाइवर्सिटी ऑफ टीम। और एक अच्छा आइडिया हमें मिल पाता है क्योंकि जो टीम होती है वो डाइवर्स होती है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उनमें से जिसका भी आइडिया सबसे बेस्ट होता है वो चूज कर लिया जाता है। ये आपकी टेक्निक्स थी आइडिया जनरेशन की। आइडिया जनरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इनोवेशन। तो इनोवेशन इंप्लाइज डूइंग न्यू थिंग और डूइंग थिंग दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन न्यू वेज। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, या तो कोई नई चीज करना या फिर जो पहले से चीजें हैं उन्हें न्यू तरीके से न्यू वे से करना, वो कहलाता है आपका इनोवेशन। इट मे ऑकर इन द फॉलोइंग फॉर्म। किस किस तरीके से इनोवेशन हो सकता है, पहला आएगा इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट नॉट येट बीन टेस्टेड एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। एक ऐसा न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद विच द कंज्यूमर आर नॉट फैमिलियर और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू क्वालिटी इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना जिसके बारे में अभी तक कंज्यूमर को पता ही नहीं था, या फिर जो पहले से प्रोडक्ट हैगा उसमें कोई न्यू क्वालिटी इंट्रोड्यूस करना, ये भी आपका इनोवेशन है। फिर और क्या होता है इनोवेशन, तो लोकेटिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट वर नॉट एक्सप्लॉइटेड अर्लियर। जो हमारा रॉ मटेरियल है और सेमी फिनिश्ड गुड्स देगा उसका नया सोर्स डिटरमाइन करना, इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा ओपनिंग अ न्यू मार्केट देयर टू अनएक्सप्लॉइटेड वेयर द कंपनी प्रोडक्ट वाज नॉट सोल्ड अर्लियर। एक न्यू मार्केट इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें अभी तक कंपनी का प्रोडक्ट बिकता ही नहीं था। इसके अलावा डेवलपिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के नए नए तरीके ढूंढना, डेवलप करना। तो ये सारी चीजें आपकी इनोवेशन के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या होते हैं इनोवेशन के, मतलब इनोवेशन होता किस किस रीजन से है, कैसे कैसे इनोवेशन हो पाता है। तो सबसे पहला होता है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो साइंटिफिक डिस्कवरी, इनोवेशन ऑफन इमर्ज फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट। जो इनोवेशन होता है वो ज्यादातर कहाँ से आता है, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट से आता है। इन्वेस्टमेंट इन R&D एक्टिविटी कैन लीड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। तो जितनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि किसी न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस का डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट होता है मार्केट नीड एंड कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर फीडबैक, लिसनिंग टू कस्टमर नीड एंड फीडबैक इज क्रूशियल सोर्स ऑफ इनोवेशन। और किस तरीके से इनोवेशन आती है, तो जब हम कस्टमर्स की नीड्स और उनकी फीडबैक को सुनते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स हैगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, तब इनोवेशन क्रिएट होती है। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट डिमांड एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस कैन ड्राइव द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। तो जब हम मार्केट की डिमांड को समझते हैं और कस्टमर की जो प्रेफरेंस है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं जैसा उन्होंने फीडबैक दिया, तो इससे क्या हो पाता है, न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलप होता है, वो भी आपका इनोवेशन बन जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जब होती है तो इनोवेशन होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्लूड डेवलपमेंट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम डेवलपमेंट करें जिससे क्या हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो कोई एक, और इससे एक न्यू इनोवेशन हो जाए। इसके अंदर न्यू टूल्स, सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म कैन बी इनेबल नोवल सॉल्यूशन एंड बिजनेस मॉडल। न्यू टूल्स डेवलप होते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप होते हैं इसके अंदर, तो वो भी आपका एक इनोवेशन का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो बेंचमार्किंग। तो मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर कैन इंस्पायर इनोवेशन। जब हम अपने कॉम्पिटिटर को मॉनिटर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो उससे भी हमें, अगर वो कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहा होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विस प्रोवाइड करवा रहा होता है, तो वैसी ही चीज फिर हम भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं और वही चीज आपका इनोवेशन होता है। ऑब्जर्विंग व्हाट वर्क वेल इन द मार्केट एंड आइडेंटिफाइंग एरिया वेयर कॉम्पिटिटर फॉल शॉर्ट। हम इसमें क्या करते हैं, मार्केट में अच्छे से क्या चीज चलेगी वो जानते हैं और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किन एरियाज में शॉर्टकमिंग है,
मतलब वो उन एरियाज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो हम जानते हैं कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट एंड न्यू आइडिया। तो इससे क्या होता है, हम अपने एग्जिस्टिंग चीज में इम्प्रूवमेंट करते हैं या कोई न्यू आइडिया डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा क्रॉस कंट्री इंस्पिरेशन, तो एडेप्टेशन ऑफ आइडिया, इनोवेशन कैन एडेप्टेड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। इनोवेशन को हम और क्या चला सकते हैं, और क्या सोर्स होता है, तो हम एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में इनोवेशन को एडेप्ट कर सकते हैं। क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग सक्सेसफुल आइडिया और प्रैक्टिस फ्रॉम वन सेक्टर एंड अप्लाइंग देम इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक सेक्टर में आपका जो सक्सेसफुल आइडिया या प्रैक्टिस है उसे हम अप्लाई करते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे सेक्टर में, वो कहलाता है आपका क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है आपका सोर्स ऑफ इनोवेशन में कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, जिसमें आपका पार्टनरशिप एंड अलायंसेस आते हैं। कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन और स्टार्टअप कैन फोस्टर इनोवेशन। जब हम कोलैबोरेट करते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ या स्टार्टअप के साथ, तो इससे क्या होता है, इससे भी इनोवेशन होता है। शेयरिंग आइडिया एंड रिसोर्स थ्रू पार्टनरशिप कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सॉल्यूशन। जब हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज को और रिसोर्सेज को अपने पार्टनरशिप के अंदर, तो इससे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट और सॉल्यूशन की डेवलपमेंट हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट सोर्स है आपका एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड आइडियाज, तो इसमें आता है आपका इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। एनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉय। जब हम एनकरेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्रिएटिव कल्चर को, तो इससे क्या होगा, न्यू न्यू आइडियाज आएंगे हमारे पास, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय ड्राइवन इनोवेशन प्रोग्राम एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कॉन्सेप्ट। और जो एम्प्लॉय के इनोवेशन प्रोग्राम और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं, उनसे हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है। फिर आता है आपका रेगुलेटरी चेंज एंड कंप्लायंसेस, तो एडेप्टेशन टू रेगुलेशन। चेंज इन रेगुलेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कैन लीड टू इनोवेशन एज कंपनीज एडजस्ट देयर प्रैक्टिस एंड प्रोसेस टू मीट न्यू स्टैंडर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। जब क्या होता है, रेगुलेशंस में या कंप्लायंसेस में चेंज होता है, तो उससे भी इनोवेशन होता है, क्योंकि कंपनीज को अब अपने आप को जो उनकी प्रैक्टिस है कि उनके प्रोसेस हैंगे, उन्हें न्यू स्टैंडर्ड के साथ मीट आउट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, जिससे उन्हें इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिल सके। तो वो जो ये चेंजेस करते हैं, इससे भी ये आपका इनोवेशन ही होता है। तो ये आपके कुछ 8 सोर्सेज से जो मैंने आपको बताए कि किन किन सोर्सेज से आपकी इनोवेशन हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, जो वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी इज अ परक्विजिट फॉर इनोवेशन एंड इट कैन डेवलप इन एनी इंडिविजुअल स्पेशली व्हेन देयर इज अ कंसर्न फॉर एक्सीलेंस। क्रिएटिविटी क्या है, इनोवेशन के लिए परक्विजिट है एक क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो कोई पर्सन इनोवेटिव नहीं हो सकता है। और ये क्या, इट कैन बी डेवलप्ड इन एनी इंडिविजुअल, इसे हम किसी भी एक इंडिविजुअल में डेवलप कर सकते हैं जिसे एक्सीलेंस चाहिए हो। क्रिएटिविटी डिफाइंड एज एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन टू द एग्जिस्टेंस। क्रिएटिविटी क्या होता है, मतलब क्या होता है क्रिएटिविटी का, तो एग्जिस्टेंस में किसी नई चीज को लेकर आना, वो एबिलिटी जो कि किसी नई चीज को बनाए या क्रिएट करे, वो चीज कहलाती है आपकी क्रिएटिविटी। द इम्फेसिस इज ऑन द एबिलिटी एंड नॉट द एक्टिविटी। जो इसमें इम्फेसिस है वो एबिलिटी पर होता है, ये एक तरीके की एबिलिटी होती है, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अ क्रिएटिव पर्सन मस्ट कंसीव ऑफ समथिंग न्यू एंड इन्वेंशन हाउ इनविजन हाउ इट विल बी यूजफुल टू सोसाइटी। एक क्रिएटिव पर्सन होता है, वो क्या करता है, कंसीव करता है कोई न्यू चीज और ये जानता है कि ये सोसाइटी के लिए किस तरीके से यूजफुल होगी। द एक्शन ऑफ पुटिंग द कंसीव्ड आइडिया टू यूज इज अनदर इशू। इसके अंदर सिर्फ वो कंसीव करता है, उसको पुट करना एक्शन में वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब क्रिएटिविटी की स्टेजेस क्या क्या होती है, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्रिएटिविटी में, तो सबसे पहले आइडिया जर्मिनेशन, तो द जर्मिनेशन स्टेज इज शोइंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस। हिस्ट्री रिवील्स दैट मोस्ट क्रिएटिव आइडिया कैन ट्रेस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन और क्यूरियोसिटी अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एरिया ऑफ इंक्वायरी। आइडिया जनरेशन क्या है, एक शोइंग स्टेज होती है इस प्रोसेस में, जो हम पहले से जानते आए हैं, पहले की चीज़ों से पता लगता है कि एक क्रिएटिव आइडिया तभी बनता है जब किसी इंडिविजुअल का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है या क्यूरियोसिटी होती है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में या किसी स्पेसिफिक इंक्वायरी में, तभी वो आइडिया जनरेट कर पाता है एक अच्छा। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन, तो वंस अ सीड ऑफ क्यूरियोसिटी हैज टेकन द शेप ऑफ फोकस्ड आइडिया द क्रिएटिव पर्सन विल मेक थ्रू सर्च एंड अप्रोप्रिएट आंसर। अब एक बार किसी पर्सन के अंदर क्यूरियसिटी आ जाती है, उसे पता लग जाता है कि मेरे को किस चीज के बारे में जानना है, तो फिर वो पर्सन क्या करता है, उसके बारे में सर्चेस करनी शुरू कर देता है एक अप्रोप्रिएट आंसर पाने के लिए। उसके बाद आता है आपका इनकम्बेशन, तो क्रिएटिव पीपल एंड पीपल विद विजन ऑफन कंसंट्रेट इंटेंसली ऑन आइडिया बट इन मोस्ट केसेस दे सिंपली अलाउ आइडिया टाइम टू ग्रो विदाउट इंटरनेशनल एफर्ट्स।
अब एक क्रिएटिव पीपल होता है या ऐसा पर्सन जिसके पास कोई विजन है, वो क्या करता है, फोकस करता है, अपने कॉन्सेंट्रेट करता है आइडिया पर, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो सिंपली अलाउ करता है कि थोड़ा सा वो और ग्रो कर पाए इस आइडिया को, जिससे इसके बारे में और समझना सिंपल हो जाए। इनकम्बिशन क्या होता है? इनकम्बिशन इज अ स्टेज ऑफ म्यूलिंग इट ओवर वाइल द सबकॉन्शियस इंटेलेक्चुअल कंट्रोल दैट द होल क्रिएटिव प्रोसेस। This is no doubt a crucial aspect of creativity because when imaginative people consciously focus on a problem, they behave rationally in their search for systematic solution. Incubation क्या होता है? ये एक तरीके का वे हैगा, जिस स्टेज हैगी जिसके अंदर जो इमेजिनेटिव पर्सन होता है वो अब क्या करता है, कॉन्शियसली फोकस करता है प्रॉब्लम पर और उसके लिए रिएक्ट करता है और उसका एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ढूंढता है। नेक्स्ट आता है आपका इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन ऑकर व्हेन अ सर्टेन आइडिया रीसरफेस और एज अ रियलिस्टिक क्रिएशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है? जो हमारा आइडिया आएगा उसे हम रीसरफेस करके देखें रियलिस्टिक सिचुएशन में। मोस्ट क्रिएटिव पीपल नॉर्मली पास थ्रू न्यूमरस साइकिल ऑफ प्रिपरेशन एंड इनकम्बिशन रिसर्चिंग द फुल मीनिंग ऑफ आइडिया। इन इल्यूमिनेशन में क्या होता है, हम तरीके एक तरीके से जो हमारा आइडिया है जो अभी तक हमारे माइंड में है उसे हम रियल सिचुएशन में इमेजिन करके देखते हैं। लास्ट होता है इसमें वेरिफिकेशन। तो एन आइडिया इल्यूमिनेटेड इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअलिस्ट इज हैज लिटिल मीनिंग अंटिल वेरीफाइड एज रियलिस्टिक एंड यूजफुल। तो जो इल्यूमिनेटेड आइडिया होता है किसी इंडिविजुअल के माइंड में, उसमें अभी भी बहुत छोटे चांसेस होते हैं जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता है यूजफुल, कि वो यूजफुल है या नहीं है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट लाई इन फैक्ट दैट इट इज एसेंशियल टू ट्रांसलेट एन इल्यूमिनेटेड आइडिया इनटू अ वेरीफाइड रियलिस्टिक एंड यूजफुल एप्लीकेशन। तो ये एसेंशियल होता है कि जो इल्यूमिनेटेड आइडिया है उसे एक वेरीफाइड रियलिस्टिक एंड यूजफुल अप्लाई करा जाए। ये आपके स्टेप्स होते हैं क्रिएटिविटी के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन। यहाँ पर आपके ये जो स्टेप्स थे तीन हमने देखे इसमें, वो आपके खत्म हो जाते हैं। अब आता है कि एक इनोवेशन में को मैनेज करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होता है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है आपका, अनसर्टेनिटी। तो इनोवेशन इनहेरेंटली इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग। जो इनोवेशन होता है वो पूरी तरीके से अनसर्टेन होता है, कुछ नहीं पता होता कि ये इनोवेशन सक्सेसफुल होगा अनसक्सेसफुल होगा क्या होगा। तो इसलिए रिस्क मैनेज करना न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल से रिलेटेड वो एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क आपका हो जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल रेजिस्टेंस। कल्चरल रेजिस्टेंस में आपका क्या आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो कैसे चैलेंजिंग है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन इम्पीड इनोवेशन एफर्ट। एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर मे बी हेजिटेट टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस हिंडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया। क्या बोला है, रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके अंदर कोई भी चेंज लाने में रेजिस्टेंस, ये एक आपका चैलेंज होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर होते हैं वो हेजिटेट होते हैं किसी भी न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से और हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं उस न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट, इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट होने से। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंज, वो होता है रिसोर्स एलोकेशन, जिसके अंदर आपका क्या आता है, बजट कंस्ट्रेंट आता है। तो एलोकेटिंग रिसोर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ह्यूमन एंड टाइम रिसोर्स। रिसोर्स एलोकेट करने के अंदर आपका क्या क्या आता है, फाइनेंशियल ह्यूमन और टाइम रिसोर्स को एलोकेट करना टू सपोर्ट इनोवेशन इनिशिएटिव कैन बी चैलेंज, क्योंकि इसके अंदर जो ये इनोवेशन का इनिशिएटिव है वो ये सारी इन सारी चीज़ों के वजह से वो एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इतने फाइनेंशियल ह्यूमन और टाइम रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से एलोकेट करा जाए। तो कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्स विद एग्जिस्टिंग मोर स्टेबलाइज्ड प्रोजेक्ट में अराइज, क्योंकि पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें वो रिसोर्सेज एलोकेट हो रखे होते हैं, अब उनमें से ही हमें कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा इस न्यू वाले आइडिया में वो रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है आपका। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फोकस। तो प्रेशर फॉर क्विक रिजल्ट, ये आपका एक चैलेंज है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फेस प्रेशर टू डिलीवर इमीडिएट रिजल्ट विच कैन हिंडर लॉन्ग टर्म इनोवेशन इनिशिएटिव। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, क्रिएट इनोवेटिव पर्सन होता है, या जो भी ग्रुप होता है जो इनोवेशन कर रहा होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्हें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट जनरेट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उन पर एक तरीके से ट्रस्ट हो सके, जिससे क्या होता है जो लॉन्ग टर्म इनोवेशन इनिशिएटिव होता है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म गोल विद स्ट्रेटेजिक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच इज क्रिटिकल। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको फ्यूचर और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्या करना, कॉपअप कर पाना एक क्रिटिकल प्रोसेस फिर हो जाता है और ये चैलेंजिंग हो जाता है इनोवेशन के लिए।
नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लियरिटी इन गोल्स। तो इसके अंदर आपका क्या आता है, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो लैक ऑफ क्लियर एंड वेल डिफाइंड इनोवेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू टीम टू अलाइन देयर एफर्ट टुवर्ड अ कंपनी कॉमन पर्पस। तो लैक ऑफ क्लियरिटी में क्या आता है कि क्लियरिटी नहीं है इनोवेशन से रिलेटेड कि क्या गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जिससे क्या होती है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है टीम्स के लिए और वो अपने एफर्ट्स को कंपनी के एक कॉमन पर्पस के लिए नहीं लगा पाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है इनोवेशन के अंदर आपका। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू फेलियर, जिसके अंदर फियर ऑफ फेलियर आता है। तो अब फियर ऑफ फेलियर कैन स्टिफल क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग। ये फियर कि हमारा जो इनोवेटिव आइडिया है वो फेल हो जाएगा, ये जो फियर होता है इससे क्या होता है क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग कम हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू क्रिएट अ कल्चर दैट विल फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी रेदर देन नेगेटिव आउटकम। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बताना चाहिए, ना कि उसे एक नेगेटिव आउटकम की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे जो इनोवेटिव पर्सन हैं और पीपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेट रहें और इनोवेशन करते रहें। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो कम्युनिकेशन चैलेंज में आता है इसके अंदर आपका। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन इनोवेशन प्रोसेस। एक इनोवेशन के प्रोसेस में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हिंडर प्रोग्रेस। तो कम्युनिकेशन के अंदर ब्रेकडाउन अगर होता है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन गैप होता है, तो इससे दो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और इनोवेशन के प्रोसेस में एक हिंड्रेंस क्रिएट हो सकती है आपकी। नेक्स्ट है अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आती है इसके अंदर। तो इंश्योरिंग दैट इनोवेशन एफर्ट अलाइन विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी कैन बी चैलेंजिंग। तो अगर ऐसा नहीं होगा, जो इनोवेशन के एफर्ट हैं वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा। इनोवेशन इनिशिएटिव शुड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल एंड विजन। तो इनोवेशन इनिशिएटिव ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल और विजन को सपोर्ट करते हो, तभी वो चैलेंजिंग नहीं होगा, वरना ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा फिर इनोवेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका टैलेंट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आती है आपकी स्किल एंड एक्सपर्टीज। आइडेंटिफाइंग अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग इंडिविजुअल विद राइट स्किल एंड एक्सपर्टीज फॉर इनोवेशन कैन बी चैलेंजिंग। क्या बोला है कि ऐसे एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना और रिटेन करना जिसके पास राइट स्किल हो, राइट एक्सपर्टीज हो इनोवेशन के लिए, ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि हर उसके लिए हमें काफ़ी सारे रिसर्चेज करने पड़ेंगे, काफ़ी सारे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे और इतना रिसोर्सेज नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो ये सारे प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, जिसके अंदर आता है आपका सीलियोस और डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग इन सीलियोस कैन इंप्लीट कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडिया। इफेक्टिव इनोवेशन ऑफन रिक्वायर क्रॉस फंक्शनल कोऑपरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज। क्या बोला है, डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑपरेट हो रहे हैं उनके बीच में अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे वो कोऑपरेशन करें, नॉलेज को अपनी एक्सचेंज करें, जिससे एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 तरीके आएंगे जो कि मतलब 10 चीज़ें आएंगी जो कि चैलेंज क्रिएट करती हैं इनोवेशन के अंदर। कौन कौन सी हैं एक बार मैं फिर से नाम बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट आता है आपका, फिर कल्चरल रेजिस्टेंस आ जाता है, इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन, शॉर्ट टर्म फोकस, लैक ऑफ क्लियरिटी इन गोल्स, रेजिस्टेंस टू फेलियर, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी, टैलेंट मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। ठीक है, ये था आपका इनोवेशन का कंसेप्ट। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी रेफर्स टू ओवरऑल प्लान और अप्रोच दैट एन एंटरप्रेन्योर और अ स्टार्टअप बिजनेस टेक टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो एक ओवरऑल प्लान या फिर अप्रोच जो कि एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक जो स्टार्टअप बिजनेस होता है वो लेता है किस चीज से रिलेटेड, जिससे वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, वो कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी। इट इन्वॉल्व मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन हाउ टू क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू इन द मार्केट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन की किस तरीके से क्रिएट की जाए, डिलीवर करी जाए और कैप्चर करी जाए वैल्यू इन द मार्केट। कुछ एलिमेंट बताए हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्ट्रेटेजी के आपके। सबसे पहले होता है इसमें विजन एंड मिशन। तो अ क्लियर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट आउटलाइन द पर्पस एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बिजनेस। सबसे पहला क्या होना चाहिए इसमें, एक विजन एक मिशन होना चाहिए, क्लियर विजन एंड क्लियर मिशन, जिससे क्या हो पर्पस पता लग सके और लॉन्ग टर्म गोल डिटरमाइन किया जा सके बिजनेस का।
नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस, तो कंडक्टिंग थ्रू मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड, मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। उसके बाद क्या होना चाहिए, मार्केट रिसर्चेस कंडक्ट करनी चाहिए जिससे क्या पता लगाया जा सके कस्टमर की क्या नीड है, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, क्या कंपटीशन है मार्केट में और क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ से रिलेटेड। नेक्स्ट है वैल्यू प्रपोजिशन, तो डिफाइनिंग अ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन दैट सेट द बिजनेस अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर एंड रेजोनेट विद द टारगेट कस्टमर। एक वैल्यू क्रिएट करनी है, यूनिक वैल्यू क्रिएट करनी है जिससे हमारा बिजनेस हमारे कॉम्पिटिटर के बिजनेस से अलग रहे और कस्टमर जो हमारे टारगेट कस्टमर हैं वो यूनिक कस्टमर रहे। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल, तो डेवलपिंग अ सुटेबल बिजनेस मॉडल दैट आउटलाइन हाउ द कंपनी विल जनरेट रेवेन्यू एंड क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल डेवलप करना है जिसमें क्या होगा कि ये पता लगेगा कि कंपनी अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है और कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट है इनोवेशन, तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टू डेवलप अ यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस दैट सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम एंड मीट अनमेट डिमांड्स। हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी जिससे एक यूनिक प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस डेवलप करा जा सके जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके और उनकी अनमीट नीड्स को मीट आउट किया जा सके। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, तो आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल ऑपरेशनल एंड मार्केट रिस्क। उसके बाद और क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और मैनेज करना आना चाहिए रिस्क, जो भी हमारे बिजनेस में रिस्क एसोसिएटेड है चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, ऑपरेशनल रिस्क हो या मार्केट रिस्क हो, वो किसी भी तरीके का रिस्क हो वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसे मैनेज करना आना चाहिए। फिर है रिसोर्स एलोकेशन, तो एफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्स सच एज कैपिटल, टैलेंट एंड टाइम टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड मैक्सिमाइज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं चाहे कैपिटल हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे टाइम हो, उन्हें इस तरीके से एलोकेट करना है कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जो हमारा वो अचीव किया जा सके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सके, हमें मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिले उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। फिर है एडेप्टेबिलिटी, तो बींग एजाइल एंड एडेप्ट टू चेंज इन द मार्केट, कस्टमर प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। हमें कैसा रहना चाहिए, एडेप्टेबल रहना चाहिए अगर मार्केट कंडीशन में, कस्टमर प्रेफरेंस में, टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में या रेगुलेटरी एनवायरमेंट में किसी में भी कोई चेंज आता है तो हम उस चेंज को इजीली अडेप्ट कर पाएं, इस तरीके का होना चाहिए। फिर है मेजरिंग सक्सेस, तो स्टेबलाइजिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI एंड मैट्रिसेस टू ट्रैक प्रोग्रेस, मेजर सक्सेस एंड मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन टू ऑप्टिमाइज द एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमारे को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्टेबलाइज करने चाहिए जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएं, अपनी सक्सेस को मेजर कर पाएं और डेटा ड्राइवन डिसीजन बना पाएं। ये आपका था कंसेप्ट किस चीज का, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी का, कि एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलिंग अप का कंसेप्ट, स्केलिंग अप क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस इन टर्म ऑफ साइज, रेवेन्यू, मार्केट रीच एंड ऑपरेशन। एक बिजनेस को साइज में, रेवेन्यू में, मार्केट रीच में और ऑपरेशन में ग्रो करना वो कहलाता है आपका स्केलिंग अप। इट इन्वॉल्व एक्सपेंडिंग द बिजनेस टू रीच अ लार्ज कस्टमर बेस, इंक्रीज रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड अचीव ग्रेटर इम्पैक्ट इन द मार्केट। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, बिजनेस को लार्ज कस्टमर बेस तक पहुंचाना, बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज करना और एक ग्रेटर इम्पैक्ट अचीव करना मार्केट के अंदर, वो कहलाता है आपका स्केलिंग अप। स्केलिंग अप इज अ क्रूशियल फेज फॉर एंटरप्रेन्योर एंड स्टार्टअप लुकिंग टू टेक देयर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। स्केलिंग अप क्या है, एक ऐसा फेज हैगा एंटरप्रेन्योर का या स्टार्टअप का जो कि बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ का अचीव करने में हेल्प करता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज आती हैं, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो डेवलप अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी दैट आउटलाइन हाउ द बिजनेस विल एक्सपेंड, एंटर न्यू मार्केट एंड इंक्रीज इट्स कस्टमर बेस। तो इसके अंदर सबसे पहले एक क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी स्टेबलाइज करनी होती है जिससे हमें पता लगे कि बिजनेस किस तरीके से कितना एक्सपेंड करना चाहता है, किस तरीके से न्यू मार्केट में एंटर करेगा और किस तरीके से अपना कस्टमर बेस बढ़ाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, इंप्रूव प्रोसेस एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स टू हैंडल इंक्रीज डिमांड एंड स्केल द बिजनेस इफेक्टिवली। स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन होने चाहिए जिससे क्या हो, प्रोसेसेस को इंप्रूव करा जा सके, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज तरीके से हैंडल किया जा सके जिससे जो हमारी इंक्रीज डिमांड है उसे इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट स्केलेबल बिजनेस मॉडल, तो इंश्योर दैट बिजनेस मॉडल इज स्केलेबल एंड कैन सपोर्ट ग्रोथ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस मॉडल होना चाहिए स्केलिंग अप के अंदर वो कैसा होना चाहिए,
आपका स्केलेबल होना चाहिए, मतलब अगर फ्यूचर में हमारी कोई डिमांड बढ़ती है तो उससे हम इजिली अपने आप को स्केल अप, जो अपना प्रोडक्शन है वो भी इजिली बढ़ा पाए, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे, कस्टमर एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज करे और प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करे, तो वो कहलाता है आपका स्केलेबल बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड ऑटोमेशन टूल टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्ट स्केलेबिलिटी। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑटोमेशन टूल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हमारे ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और स्केलेबिलिटी सपोर्ट हो। नेक्स्ट है टैलेंट एक्विजिशन। तो रिक्रूट एंड ऑनबोर्ड स्किल्ड एम्प्लॉई हु कैन सपोर्ट द ग्रोथ ट्रेजिटरी ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। हमें कैसे स्किल्ड एम्प्लॉई को रिक्रूट करना चाहिए जो कि हमें ग्रोथ में हेल्प करें और हमारे बिजनेस को उसकी सक्सेस की तरफ ले जाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सिक्योर एडुकेट फंडिंग, मैनेज कैश फ्लो इफेक्टिवली एंड मेक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन टू सपोर्ट द स्केलिंग प्रोसेस। हमें क्या करना चाहिए, फंडिंग को सिक्योर एडुकेट फंडिंग करनी चाहिए, कैश फ्लो को मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली तरीके से और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए जिससे हमारे स्केलिंग का प्रोसेस सपोर्ट हो। नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, रिटेन एग्जिस्टिंग वन एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी ऑन द बिजनेस एक्सपेंड। और क्या करना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी चाहिए जिससे हम न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन्हें रिटेन करके रख पाएं और अपनी ब्रांड की एक लॉयल्टी बिल्ड कर पाएं जिससे हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो। तो वो आता है आपका कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो ये कंसेप्ट था आपका स्केलिंग अप का, कि स्केलिंग अप क्या होता है और इसके कुछ की एलिमेंट्स के बारे में कि किस किस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं, वो सारी आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। तो बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज द क्रिटिकल एक्सरसाइज दैट हेल्प एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर डिफाइन देयर गोल, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन टू अचीव सक्सेस। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक तरीके का एक्सरसाइज है जो कि कौन करता है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ओनर करते हैं, जिससे उन्हें उनके गोल डिफाइन हो पाते हैं, स्ट्रेटेजी डिफाइन हो पाती है और उन्हें किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं जिससे वो सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। प्रोसेस क्या होता है एक बिजनेस प्लान ड्रॉ करने का, तो सबसे पहले डिफाइन योर विजन एंड मिशन। तो स्टार्ट बाय क्लेरिफाइंग योर बिजनेस पर्पस, वैल्यू एंड लॉन्ग टर्म विजन। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, अपना बिजनेस का पर्पस क्लेरिफाई करना पड़ता है कि क्या बिजनेस का पर्पस है, क्या वैल्यू है और लॉन्ग टर्म विजन क्या है एंटरप्रेन्योर का। डिफाइनिंग योर मिशन स्टेटमेंट व्हिच आउटलाइन व्हाट योर बिजनेस डज, हु सर्व इट एंड व्हाट इट एग्जिस्ट। एक मिशन स्टेटमेंट ड्रॉ करनी होती है जिसके अंदर क्या क्या चीजें बतानी होती है, आपका बिजनेस करता क्या है, किन लोगों के लिए करता है और ये एग्जिस्ट क्यों करता है, वो आता है आपका फर्स्ट स्टेप ये। फिर आता है आपका कंडक्ट मार्केट रिसर्च। तो एनालाइज योर टारगेट मार्केट, इंडस्ट्री ट्रेंड, कंपटीशन एंड कस्टमर नीड। उसके बाद क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है किस चीज से रिलेटेड, कि आपकी टारगेट मार्केट क्या रहने वाली है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहने वाला है, कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है और कस्टमर्स की नीड क्या रहने वाली है। आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, गैप्स इन द मार्केट दैट बिजनेस कैन एड्रेस। आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, थ्रेट आइडेंटिफाई करना है और मार्केट के अंदर जो गैप है वो आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस करना है, मतलब सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सेट स्मार्ट गोल्स। तो स्टेबलाइज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स फॉर योर बिजनेस। स्मार्ट गोल्स स्टेबलाइज करने हैं। स्मार्ट गोल्स का यहाँ पर फुल फॉर्म है कि गोल्स ऐसे स्टेबलाइज करने हैं जो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रेलेवेंट हों और टाइम बाउंड हों। दिस गोल शुड अलाइन विद योर विजन एंड मिशन एंड प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर सक्सेस। जो ये गोल्स होने चाहिए वो आपके विजन और मिशन के साथ अलाइन करने चाहिए और आपको सक्सेस की तरफ ले जाने चाहिए। नेक्स्ट होता है डेवलप अ बिजनेस मॉडल। तो क्रिएट अ क्लियर एंड डिटेल्ड बिजनेस मॉडल दैट आउटलाइन हाउ योर बिजनेस विल जनरेट रेवेन्यू, डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर एंड सस्टेन ऑपरेशन। क्या करना है आपको, क्लियर एंड डिटेल्ड बिजनेस मॉडल बनाना है जो कि क्या डिफाइन करे कि आपका बिजनेस रेवेन्यू किस तरीके से जनरेट करेगा, किन कस्टमर्स को वैल्यू देगा और जो आपका ऑपरेशन है वो किस तरीके से सस्टेन करेंगे। इसमें आपको कंसीडर फैक्टर सच एज प्राइस स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड रेवेन्यू स्ट्रीम। इसके अंदर आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कंसीडर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंसीडर करना है और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कंसीडर्ड करना है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान। तो डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान दैट डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, पोजीशनिंग, मैसेजिंग चैनल एंड टैक्टिक्स टू रीच एंड एंगेज कस्टमर। आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान डिफाइन करना है जिससे आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में पता लगे, आपकी पोजीशन क्या है, मैसेजिंग चैनल क्या है और टैक्टिक्स क्या है जिससे आप नए कस्टमर तक रीच आउट करें, उनके साथ एंगेज कर पाएं।
इंक्लूड स्ट्रेटेजीज फॉर ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड कस्टमर एक्विजिशन। उसके बाद आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगानी है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन और कस्टमर एक्विजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट है आउटलाइन ऑपरेशनल प्लान, तो डिटेल हाउ योर बिजनेस विल ऑपरेट ऑन डे टू डे बेसिस। इसमें आपको क्या करना है, ये डिफाइन करना है कि आपका बिजनेस डे टू डे बेसिस पर किस तरीके से ऑपरेट होगा। डिफाइन की ऑपरेशनल प्रोसेस, रिसोर्स, सप्लायर, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर प्रोडक्ट और सर्विस इफेक्टिवली। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इफेक्टिवली डिलीवर करने में किस तरीके के ऑपरेशनल प्रोसेस लगते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं, सप्लायर कौन कौन से लगते हैं, टेक्नोलॉजी की क्या रिक्वायरमेंट होती है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये डिफाइन करना है। फिर है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो प्रिपेयर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इंक्लूडिंग रेवेन्यू फोरकास्ट, एक्सपेंस एस्टिमेट, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस। उसके बाद आपको अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शन प्रिपेयर करना है जिसमें आप रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे कि आपके रेवेन्यू का कितना खर्चा आएगा, कितना आपका एक्सपेंस रहने वाला है, कैश फ्लो का क्या प्रोजेक्शन रहने वाला है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। फिर डिटरमाइन हाउ मच फंडिंग यू नीड टू स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने के लिए कितनी फंडिंग की जरूरत है, और क्रिएट अ बजट टू मैनेज फाइनेंशियल इफेक्टिवली, और इन सारी चीज़ों को फाइनेंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक बजट क्रिएट करना है। नेक्स्ट स्टेप बताया है रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंज दैट कुड इम्पैक्ट योर बिजनेस सक्सेस। आपको ऐसे रिस्क को, जो ऐसा रिस्क पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। डेवलप कंटिजेंसी प्लान एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी टू एड्रेस दो चैलेंज एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, और फिर उनको करेक्ट करने के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाने हैं, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज बनानी है जिससे इन चैलेंजेस को एड्रेस करा जा सके और बिजनेस को कंटिन्यू रखा जा सके। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो क्रिएट अ डिटेल्ड एक्शन प्लान दैट आउटलाइन द स्टेप, टाइमलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माइलस्टोन फॉर एग्जीक्यूटिंग अवर बिजनेस प्लान। उसके बाद आपको एक एक्शन प्लान बनाना है जिसके अंदर क्या क्या स्टेप होगा, इन्वॉल्व होगा, आपके क्या क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, टाइमलीनेस क्या रहने वाली है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्या आपको माइलस्टोन अचीव करने हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली एंड एडजस्ट स्ट्रेटजी एज नीड टू स्टे ऑन ट्रैक। उसके अलावा आपको रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, एडजस्ट करनी है स्ट्रेटजी को जिससे आप सही ट्रैक पर बने रहें। नेक्स्ट आता है रिव्यू एंड अपडेट, तो रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट योर बिजनेस प्लान टू रिफ्लेक्ट चेंज इन मार्केट, इंडस्ट्री ट्रेंड, कस्टमर प्रेफरेंस और इंटरनल फैक्टर। उसके बाद आपको अपने रेगुलरली अपने बिजनेस प्लान को रिव्यू करना है, अपडेट करना है, जिसके अंदर आप चेंजेस इन मार्केट की, मार्केट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड आ रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है और इंटरनल फैक्टर्स वगैरह क्या है, इन सारी चीज़ों को रिव्यू करना है और चेंज करते रहना है अपनी स्ट्रेटेजी इनके अकॉर्डिंग। कंटिन्यूसली रिफाइन योर स्ट्रेटेजी टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग बिजनेस कंडीशन एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। आपको कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेटेजीज में चेंजेस लाते रहने हैं जैसे जैसे बिजनेस कंडीशन में चेंजेस आए, जिसकी मदद से आप क्या कर सकें, जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसे मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरीके से आपको एक बिजनेस प्लान ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान, कि एक बिजनेस प्लान फेल कब हो जाता है। तो नंबर वन, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर बिजनेस प्लान फेलियर इज इनएडिक्वेट मार्केट रिसर्च। अगर आपकी मार्केट रिसर्च इनएडिक्वेट रहती है तो ये आपका सबसे बड़ा रीजन होता है बिजनेस प्लान के फेल होने का। इफ यू डोंट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टारगेट मार्केट, कस्टमर नीड, कॉम्पिटिशन एंड इंडस्ट्री ट्रेंड, योर बिजनेस में स्ट्रगल टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड जनरेट रेवेन्यू। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपके कस्टमर्स की नीड क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है और इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, तो ओवरले ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैन लीड टू बिजनेस प्लान फेलियर। अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक और अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होगा, मतलब जो भी आप फाइनेंशियल रिलेटेड प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो आपका बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा। इफ योर रेवेन्यू फोरकास्ट आर टू हाई और यू अंडर एस्टिमेट एक्सपेंस, यू मे रन इनटू कैश फ्लो प्रॉब्लम और टू फेल टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप या तो ये फोरकास्ट कर लें कि आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होने वाला है, या आप ये फोरकास्ट कर लें कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम होने वाले हैं, तो इससे आपका क्या होगा, कैश फ्लो रन आउट हो जाएगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सारी चीजें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा पुअर एग्जीक्यूशन, तो अ वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लान इज ओनली इफेक्टिव इफ प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। कोई भी बिजनेस प्लान अगर बना ले आप, कितना भी अच्छा बना ले, अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो फेल हो जाएगा। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इनकंसिस्टेंट एफर्ट, मिसमैनेजमेंट कैन ड्रेल इवन द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस आइडिया।
अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो उसमें कमी है, या फिर आपका इनकंसिस्टेंट एफर्ट है, या मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट है, तो फिर आपका बिजनेस प्लान फेल होगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। तो विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी योर बिजनेस में स्ट्रगल टू रीच कस्टमर एंड ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ। अगर आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो आपका जो बिजनेस है वो न्यू कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा और आपका रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पाएगा। इफ योर बिजनेस प्लान लेकर डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी और सेल्स चैनल इट में फेस टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर। अगर आपके बिजनेस में एक डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान नहीं होगा, कस्टमर एक्विजिशन करने की स्ट्रेटजीज नहीं होंगी और सेल्स चैनल नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस प्लान फेल हो जाएगा, वो अपने लिए न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट और रिटेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग फीडबैक अडेप्टेशन एंड अडेप्टेशन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड सक्सेसफुल बिजनेस नीड टू अडेप्ट चेंज इन मार्केट कंडीशन। जैसा कि आप सभी को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रहते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो कि अपने आप को चेंजेस में अडेप्ट कर ले, मार्केट कंडीशन में अडेप्ट कर ले। कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। इफ योर बिजनेस प्लान इज रिजिड एंड डोंट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन इट मे बिकम ऑब्सोलेट क्विकली। अगर आपका बिजनेस प्लान रिजिड है और फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं करता है, अडेप्टेशन को अलाउड नहीं करता है, तो वो बहुत ही जल्दी ऑब्सोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न, नेचुरल डिजास्टर, रेगुलेटरी चेंजेस कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, ये सारे क्या हैं, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, आपके ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं और आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। अगर इनके इफ योर बिजनेस प्लान डज नॉट इंक्लूड कंटिजेंसी प्लान और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, यू मे स्ट्रगल टू नेविगेट अनफोर्सिन चैलेंजेस। तो अगर आपके बिजनेस प्लान में इन कंटिजेंट इवेंट के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी या प्लान नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, वो चैलेंजेस को आप मिटिगेट नहीं कर पाएंगे या एड्रेस नहीं कर पाएंगे और आपका जो बिजनेस प्लान है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है पुअर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस प्लान की सक्सेस के लिए एक इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप डायरेक्शन, विजन और कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन लीड टू कन्फ्यूजन, डिस एंगेजमेंट एंड अल्टीमेटली बिजनेस प्लान फेलियर। अगर आपका जो बिजनेस प्लान है उसमें लीडरशिप की कमी है, डायरेक्शन नहीं है, विजन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, फिर आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्यूजन बढ़ेगी, डिसएंगेजमेंट बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो आपका बिजनेस प्लान है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से जो रीजन होते हैं एक बिजनेस प्लान के फेल होने का। यहाँ पर आपका ये बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका टीम बिल्डिंग का, कि टीम बिल्डिंग क्या होती है। तो टीम बिल्डिंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल एंड कोहेसिव टीम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सक्सेसफुल और कोहेसिव टीम को क्रिएट करना आपका प्रोसेस कहलाता है टीम बिल्डिंग का। स्ट्रॉन्ग टीम आर इसेंशियल फॉर अचीविंग बिजनेस गोल, फोस्टरिंग कोलेबरेशन, बूस्टिंग मोरल एंड इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग टीम्स की कब जरूरत होती है, जब जो हमारे बिजनेस गोल्स हैं अगर उन्हें हमें अच्छे से अचीव करना है, कोलेबरेशन को फोस्टर करना है, मोरल बूस्ट करना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत पड़ती है। अब इससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज हैं स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग के लिए। पहली स्ट्रेटजी क्या है, स्टेबलाइज क्लियर गोल्स एंड रोल। तो क्लियरली डिफाइन द टीम गोल, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिविजुअल रोल विद इन द टीम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहली स्ट्रेटजी क्या करनी होती है, कि जो टीम बनाई है उसके गोल्स, ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल रोल क्या क्या है उसके मेंबर्स के, वो सारे उन्हें बता दिए जाए। व्हेन टीम मेंबर अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ टीम, दे आर मोर लाइकली टू एंगेज एंड मोटिवेटेड। जब टीम मेंबर्स को पता लग जाता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें क्या कंट्रीब्यूट करना है सक्सेस के लिए, तो फिर वो एंगेज्ड रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, फोस्टर अ कल्चर ऑफ ओपन कम्युनिकेशन वेयर टीम मेंबर फील कंफर्टेबल शेयरिंग आइडिया, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड एक्सप्रेसिंग कंसर्न। क्या करना चाहिए, नेक्स्ट दूसरी स्ट्रेटजी बताइए कि ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। जब टीम मेंबर कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आइडिया शेयर करने में, फीडबैक प्रोवाइड करवाने में, कंसर्न को एक्सप्रेस करने में, तो फिर उससे एक अच्छी टीम बिल्ड होती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट कोलैबोरेशन विद इन द टीम। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं और कोलैबोरेशन प्रमोट होता है टीम के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है प्रमोट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। तो इनकरेज ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग टीम मेंबर बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग ईच इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कंट्रीब्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इनकरेज करना चाहिए टीम मेंबर के बीच में, किसकी मदद से, रिकॉग्नाइज करके हर इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को, स्किल्स को और उनके कंट्रीब्यूशन को।
When team member feel respected and trusted, they are more likely to work well together and support each other. जब team member अपने आप को respected feel करते हैं, trusted feel करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं और एक दूसरे को support भी करते हैं. Next है encourage collaboration. तो create opportunity for team member to collaborate on project, share knowledge and work toward common goal. क्या करनी चाहिए आपको? अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए टीम मेंबर के लिए कि वो प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट कर सके, अपनी नॉलेज को शेयर कर सके और कॉमन गोल को अचीव करने में की तरफ काम कर सके. कोलैबोरेशन हेल्प बिल्डिंग रिलेशनशिप, फोस्टर क्रिएटिविटी एंड एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी विद इन द टीम. कोलैबोरेशन से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है, क्रिएटिविटी फोस्टर होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस होती है टीम के अंदर. नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज. तो ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज सच एज वर्कशॉप, रिट्रीट्स एंड सोशल इवेंट टू हेल्प टीम मेंबर बॉन्ड, बिल्ड रैपर्ट एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप आउटसाइड द वर्क प्लेस. उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए अपने जो उनका बॉन्ड है, उनकी रिलेशनशिप है, उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की. किसकी मदद से? अलग अलग टाइप की वर्कशॉप प्रोवाइड करवा के, सोशल इवेंट में एंगेज करके, इन सारी चीजों की मदद से. These activity can improve communication, boost morale and enhance teamwork. इससे क्या होता है? Communication improve होता है, morale boost होता है और teamwork enhance होता है member का. Next है celebrate achievement. तो recognize and celebrate individual and team achievement to boost morale, motivate team member and reinforce the culture of success. और क्या करना चाहिए आपको? Recognize करना चाहिए individual और team achievement को, जिससे उनका morale boost हो सके, उनके वो motivate हो सके team member और सक्सेस का कल्चर रीइंफोर्स किया जा सके. एक्नॉलेज अकम्प्लिशमेंट, हेल्प बिल्ड अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड एनकरेज कंटिन्यूड एफर्ट टुवर्ड अचीविंग गोल. अगर हम मेंबर्स के अचीवमेंट को एक्नॉलेज करेंगे तो उससे क्या होता है? एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और वो इनकरेज रहते हैं और भी कंटिन्यूटी और एफर्ट्स के साथ गोल्स को अचीव करने में की तरफ एफर्ट्स करने के लिए. नेक्स्ट है ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी. तो इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू हेल्प टीम मेंबर टू एनहांस देयर स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी. कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए किस चीज में? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे टीम मेंबर्स की स्किल्स, नॉलेज और कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके. कंटिन्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली बेनिफिट द इंडिविजुअल टीम मेंबर बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द टीम. जो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, इससे सिर्फ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को ही बेनिफिट नहीं होता बल्कि ओवरऑल टीम की ग्रोथ एंड सक्सेस भी अचीव की जाती है इसकी मदद से. नेक्स्ट है लीड बाय एग्जांपल. तो एज अ लीडर और मैनेजर, लीड बाय एग्जांपल, डेमोंस्ट्रेटिंग पॉजिटिव बिहेवियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. योर एक्शन सेट द टोन फॉर द टीम एंड इन्फ्लुएंस हाउ टीम मेंबर इंटरेक्ट विद ईच अदर. मतलब जो लीडर जिस तरीके से बिहेव करता है, जिस तरीके से वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी टीम का भी वर्क होता है. तो आपका एक्शन इस तरीके से होना चाहिए जो आपकी टीम को इन्फ्लुएंस करे कि आपस में वो लोग आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे. फिर सीक फीडबैक एंड एनकरेज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. तो रेगुलरली सीक फीडबैक फ्रॉम टीम मेंबर ऑन हाउ टू इंप्रूव टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. रेगुलरली आपको क्या करना चाहिए? टीम मेंबर से फीडबैक लेना चाहिए कि किस तरीके से टीम वर्क को इम्प्रूव किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को, कोलैबोरेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. इनकरेज अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वेयर टीम मेंबर आर एम्पावर टू सजेस्ट आइडिया फॉर एनहांसिंग टीम परफॉर्मेंस. आपको क्या करना चाहिए? कल्चर को इनकरेज करना चाहिए, ऐसे कल्चर को जहाँ पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो, टीम मेंबर एम्पावर्ड हो सजेस्टेड आइडिया के साथ कि अपनी टीम की परफॉर्मेंस को किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है. फिर एड्रेस कन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टली. तो कन्फ्लिक्ट इज नेचुरली इन एनी टीम एनवायरमेंट बट एसेंशियल टू एड्रेस कन्फ्लिक्ट प्रॉम्प्टली एंड कंस्ट्रक्टिवली. ये नेचुरल होता है कि किसी भी टीम के टीम हैगी अगर तो टीम एनवायरनमेंट के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? जो मैनेजर होता है वो ये चीज देखता है. तो प्रोवाइड अ सेफ स्पेस फॉर टीम मेंबर टू वॉइस देयर कंसर्न, फैसिलिटेट डिस्कशन टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर. तो मैनेजर या जो लीडर है उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए कि टीम मेंबर्स को एक स्पेस मिले जहां पर वो अपना कंसर्न बता सकें, उसके ऊपर डिस्कशन की जा सके उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और टीम मेंबर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट और क्रिएट किया जा सके. ठीक है, तो ये तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी ये यूनिट नंबर 3 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है. जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट था सारा कंप्लीट करवा दिया गया है. होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.